पहला उपदेश साधुओं को दिया था, दूसरा उन्होंने जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने आलाप आराम को तलाश करने की कोशिश की। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद जो भगवान बुद्ध को कुछ बुरा वचन बोल रहे थे उन साधुओं की तलाश की, वो जगाधारी साधु थे, उनको ज्ञान दिया तो आते समय वह ये सोच रहे थे कि ये वही है कि जिसने कभी हमारी फूर्ति नहीं की थी, हम इसका निराधार करेंगे। भगवान को तो उनके सामने पत्थर हुए, उन्होंने अपना धर्म का उपदेश अच्छे ढंग से बताया। समय नहीं है, केवल पांच बातें ही बताऊंगा आपके बीच में। सबसे पहले इस धर्म की बुनियाद पंचशील है। आपके पता नहीं वही शिक्षा समाज आ गई, उन्होंने सोचा भगवान ने क्या प्राणी हिंसा न करना आदि न जाना वे बड़ी शिक्षा प्रदम समाज आ गई, चोरी न करना कामेशो मिक्ष वे मणि शिक्षा प्रदम समाज आ गई, काया और वाचा से शुद्ध रहना यानी पर स्त्री आगमन न करना, मुशावादा में बनी शिक्षा प्रदम समाज आ गई, चोरी से समाज में अराजकता पैदा होती है इसीलिए हमें चोरी और निंदा नहीं करनी चाहिए, शुरा मेरे मजपमाना थाना में बनी शिक्षा प्रदम समाज आ गई, हमें नशे की चीजों से दूर रहना चाहिए। समाज में भी काम और मैं बाबा साहब को सराहनीय मानते हुए अपनी बात को विराम देते हुए, बाबा साहब ने भारत का संविधान जो लिखा हुआ था वो बौद्ध धर्म से ही लेकर के लिखा गया था, मैं आप सभी को साधुवाद देता हूं। साधु साधु साधु।